हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो आपका प्रिंटर होता है वाईफाई वाला, वो आप अपने मोबाइल से और लैपटॉप से वायरलेस कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनको प्रिंट आउट निकालने में। अपने वाईफाई ऑप्शन होता है प्रिंटर में, फिर भी वो लोग अपने प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि आप अपने प्रिंटर को अपने वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल के थ्रू भी, लैपटॉप के थ्रू भी। आपको कोई अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ड्राइवर की। आपको बस सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनको फॉलो करके आप अपना प्रिंटर आराम से इंस्टॉल कर लोगे। बस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको यार एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो प्रिंटर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक HP का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है 419। ये वाईफाई वाला प्रिंटर है दोस्तों आज हम इसको विदाउट किसी ड्राइवर के इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों देखो, लैपटॉप की स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। ये देख सकते हो दोस्तों, इस प्रिंटर का नाम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। आपको सिंपली आपका कंट्रोल पैनल ओपन करना है और आपका जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करके रखना है, जो भी आपका वाईफाई एयरटेल वगैरह का हो। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर कॉर्नर पे ऐड ए प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों वहाँ पे ना आपको HP का जो भी आपका वाईफाई वाला प्रिंटर है वो दिख जाएगा, उसको सिंपली सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इस प्रोसेस को जब आप करोगे तो जो आपका प्रिंटर है वो दो प्रिंटर्स के नाम दिखाएगा, एक डायरेक्ट नाम लिखा आएगा, उसके बाद आपका प्रिंटर का नाम लिखा आता है, और एक आपका डायरेक्ट प्रिंटर HP के नाम से लिखा आता है एक। और दोस्तों जो जिस पे HP प्रिंटर्स और आपका मॉडल नंबर लिखा हो वही आपको कनेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट वाला कर लिया तो वो तभी चलेगा जब आप उसको वाईफाई से मैनुअली कनेक्ट करोगे। तो दोस्तों देख सकते हो जो प्रिंटर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इससे हम प्रिंट आउट दे के देखते हैं, प्रिंट टेस्ट पेज। तो दोस्तों यहाँ पे तो दिखा रहा है कि जो टेस्ट पेज है वो जा चुका है। अब देखते हैं प्रिंटर्स में। दोस्तों प्रिंटर में आप देख सकते हो जो पावर वाला बटन होता है उसकी इंडिकेशन ब्लिंक करने लगती है जब भी कोई प्रिंट आउट आता है निकल के। तो आप देख सकते हो कि ये प्रिंट आउट हमारा निकलने वाला है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना इसको, और एक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह की अपडेट्स के लिए। दोस्तों देख सकते हो पूरा पेज निकल चुका है जो भी हमने प्रिंट दिया था। दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, इसमें मैंने ना आपके मोबाइल का भी प्रोसेस बताया है कि आप अपने फ़ोन से कैसे अपने प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट कर पाओगे। इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट पे कर देना है आपको। दोस्तों इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप इस स्कैनर वगैरह भी यूज़ करके दिखाया है आपको, अगर कोई फोटोकॉपी स्कैनिंग वगैरह आपको करनी है लैपटॉप से या मोबाइल से, वो भी आप सिंपली कर सकते हो। बस कुछ स्टेप्स में आपको जो भी प्रिंटर है उस पर राइट क्लिक करना है, और ये स्टार्ट स्कैन होता है यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों फिर सिंपली स्कैन पे क्लिक करना है अपना जो भी पेज वगैरह सिलेक्ट करने के बाद, और आप देखोगे कि जो आपका स्कैनर है वो भी बड़े आराम से वर्क करेगा। दोस्तों इसमें मैंने ना ही कोई सॉफ्टवेयर डाला है जो कि HP थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड करते हो मॉडल नंबर डाल के। ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और इससे आपका प्रिंटर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत टाइम लेता है, तो वो बस तभी लेता है जब ऐड प्रिंटर आप करते हो, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों ये तो रहा लैपटॉप का प्रोसीजर। आप देख सकते हो स्कैनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है प्रिंटर। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोबाइल पे हमारा प्रिंटर किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है।
दोस्तों आप देख सकते हो हमने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ऑन कर दी है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो जिसका नाम होता है HP स्मार्ट। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। आपको याद रहे कि जो आपका वाईफाई है वो ऑन रहना चाहिए, जिस वाईफाई में आपका प्रिंटर कनेक्ट है। आपको HP स्मार्ट ओपन करनी है, एप्लीकेशन होती है जो। उसके बाद आपको ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे कि जो प्लस का निशान बना पड़ा है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका एप्लीकेशन। आप जैसे ही ऐड प्रिंटर करोगे आपका प्रिंटर का नाम आ जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो आपका जो प्रिंटर होगा वो रेडी, वहाँ पे रेडी टू प्रिंट आ जाएगा लिखा। उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और प्रिंट दे के देख लेना है, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा आसानी से। अब हम कोई प्रिंट आउट ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हो। मैं कोई भी गूगल क्रोम पेज से कोई प्रिंट आउट डाउनलोड करके देख लेता हूँ अगर कोई पड़ा हो तो। तो दोस्तों मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो ये पोस्टर लगा हुआ है वो ना कोई प्रमोशन के लिए है ना कुछ भी, ये तो बस ऐसे ही रेंडमली कोई एड्स वगैरह आया होगा तो आ गया था। तो दोस्तों इस पेज को डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो भाई नहीं होता। चलो एक काम करते हैं, ये जो दूसरा पोस्टर पड़ा हुआ है उसको ही डाउनलोड कर लेते हैं, कलर भी आ जाएगा उसमें निकल के और आपको अच्छे से आप समझ भी जाओगे। तो दोस्तों ये जो अपना एक जिम का एक बैकग्राउंड था वो पड़ा हुआ था फ़ोन में, इसको दोस्तों कोई भी फ़ोन से अगर आप प्रिंट देते हो तो शेयर वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे प्रिंट के नाम से ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको आपका प्रिंटर का मॉडल नंबर शो हो जाता है। उसको सिलेक्ट करके प्रिंट का एक आइकन आता है, आप उसको सिंपली प्रिंट करोगे तो दोस्तों आपका प्रिंट आउट आसानी से निकल जाएगा। अब देखते हैं कि कैमरा हमने फ़ोन का ऑन कर लिया है, देखते हैं प्रिंट आउट आता है नहीं आता। तो दोस्तों प्रिंट आउट ये भी हमारा आ रहा है आसानी से। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फरीदाबाद से देख रहे हो तो हम फरीदाबाद के अंदर ऑन साइट सर्विसेज देते हैं, लैपटॉप रिपेयर, डेस्कटॉप रिपेयर, प्रिंटर रिपेयर। हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपका जो प्रिंटर या लैपटॉप है वो ऑन साइट ही ठीक कर देंगे। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो यार ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब हुए पड़े हैं, आप देख सकते हो चैनल पर 140 के समथिंग है बस। यार इन सब्सक्राइबों को भी बढ़ा दो, बहुत अच्छी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और थोड़ा अपडेशन के लिए सब्सक्राइब और कर लेना। एक हमारा दोस्तों फेसबुक पे पेज भी है लैपी बुक के नाम से, आप उसको भी वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो प्रिंट आउट है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि कलर प्रिंट आउट होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लेट आ रहा है निकल के। अगर आपके प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हो जो प्रिंट आउट है वो स्लो तो आ रहा है, लेकिन जो आपकी कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करो, फ़ोन रिस्टार्ट करो, कुछ भी करो, बस आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जिस वाईफाई में आप प्रिंटर को इंस्टॉल कर रहे हो उससे आपका फ़ोन या जो लैपटॉप है वो कनेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका प्रिंट नहीं आएगा निकल के। तो दोस्तों देख सकते हो भाई प्रिंट आउट भी आ गया निकल के।